आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल की रेस से इंग्लैंड की टीम बाहर हो गई है, क्योंकि भारत के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में मेहमान टीम को हार झेलनी पड़ी। भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले ही WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान तीन टीमों के साथ ऐसे समीकरण थे कि उनमें से कोई एक टीम क्वालिफाई कर सकती थी, लेकिन अब सिर्फ दो ही टीम बची है जिनमें एक टीम फाइनल में पहुंचेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले आखिरी मैच के दौरान भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास फाइनल मैच में खेलने का मौका है। उधर तीसरा मैच हारने के बाद इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल रेस से बाहर हो गई, क्योंकि इंग्लैंड के सारे समीकरण फेल हो गए। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड के समीकरण थे कि अगर वे भारत को 4-0, 3-0 या 3-1 से हरा देता है तो फिर भारत बाहर हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाली आखिरी टेस्ट मैच में की हार जीत या ड्रॉ के नतीजे के बाद ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा फाइनलिस्ट मिलेगा। अब इस समय विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ तीन ही सिनेरियो बाकी है, जिनमें दो भारत टीम के पक्ष में है जबकि एक ऑस्ट्रेलिया टीम के पक्ष में है। अगर इंग्लैंड की टीम आखिरी टेस्ट मैच को जीत जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं जो दो सिनेरियो टीम इंडिया के पक्ष में हैं उनमें ये है कि अगर भारत ने ये मुकाबला जीत लिया तो सीरीज 3-1 से जीतने के बाद शानदार टीम WTC के फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। इसके अलावा अगर भारत ये मैच ड्रॉ करा कर सीरीज 2-1 से भी जीतता है तो फिर उस स्थिति में भी भारतीय टीम ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करेगी। ICC WTC का फाइनल मुकाबला मिड जून में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले का आयोजन लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।